अजय नहीं दे दो ना वो बर्तन। नमस्कार दोस्तों, गोवा टू लद्दाख की सीरीज में मैं हूँ अभी हरिद्वार में अपनी होस्ट के घर में, और हमारे साथ में एक छोटी सी ब्लॉगर, क्या नाम है? आरोही। और आपका ब्लॉग का क्या नाम है? आरोही ब्लॉग। तो आरोही ब्लॉग से डांस करती है, वो लिपसिंग करती है और मिनी ब्लॉग भी बनाती है। तो आप जाओ और आरोही ब्लॉग्स है चैनल को सर्च करो और जाके सब्सक्राइब करो। तो अभी कितने सब्सक्राइब हो गए आपके? 41। अरे वाह। और ये बकवास करता ना आपके साथ, ये भाई आरोही के कैमरामैन है, एक ये भी कैमरामैन है। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक है। अच्छी वीडियो बनाया कर यार आरोही की, अच्छे से शूट किया कर, ठीक है? और ये तो बकवास करता रहता है। तो अभी इनसे सॉन्ग सुनते हैं। किसको सॉन्ग आता है? आता है कोई भी गढ़वाली सुना दो। हम दोनों को अगला मजबूरी पसूरी सुना। अगला वा मजबूरी नु आड़ जाड़ भी पसूरी नु जहर बने हा तेरी पी जावा मा पूरी नु आना से यो नैया या दिल बाग बाग मेरा टकराया काका बोल के डस जावे बाबा क्यों नी चूरी नु रावा जी ओनु लगानु ए मैनु ना रोके मेरे ढोल चुराया भी कुल कवर के मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ जाया मैया दी कन रात के मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना। इनका आपने सॉन्ग सुना, कितना प्यारा लय में सुना रहे हैं ये। और तो जाके इनके चैनल पे जाइए और जाके इनकी एक्टिविटी देखिए, मिनी ब्लॉग देखिए, सॉन्ग डांसिंग सब कुछ ही। सो गाइस, अभी हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए, और सामने ये बच्चे हैं और हमारा होस्ट, तो ये हमें है ना आगे तक छोड़ के आ रहे हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं विश्वकर्मा घाट पे, और हमें ड्रॉप करने के लिए आगे हैं दीपक भाई जी जो हमारे होस्ट हैं, और ये दो बच्चे। हाँ कुछ बोल लो, कुछ हेलो हेलो गाइज करोगे? हाँ, और ये विश्वकर्मा घाट है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दोस्त आने वाला है, तो उसका इंतजार करेंगे अभी थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे। तो देखते हैं वो अभी कितनी देर में यहाँ आता है, तो तब तक यहाँ इंतजार ही, किसी हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं बोल तो भाई, आज ये बच्चे हमें पार्टी दे रही है, हमें गोल गोल पे खिला रहे हैं, है ना? पैसे नहीं दे दो ना, वो बर्तन मंजवा लेना, कर दोगे काम? ये आप भर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाई। क्या हो गया, डर गया? नहला रहे तो रहे थे, 10 दिन हो गए, तूने नहाया भी है? हाँ, है? कब नहाया था? परसों नहाया था। देखो परसों नहाया था भाई, इतना गहरा है ना, बहुत गहरा है। अच्छा, तो सामने है भाई गुरु नानक देव जी घाट, और यहाँ से घाट स्टार्ट हो जाते हैं और आगे तक घाट ही घाट मिलेंगे आपको। वो हमारी खड़ी बिल्लो रानी, ये बाईपास है, पानी पूरी हमने खाई लिए, तो अभी इंतजार कर रहे हैं बस बिल्लो रानी, उनसे पूछो क्या बेच रहा है। 20 रुपए के 6, 20 रुपए के 6, 10 रुपए के 3, क्या पानी पूरी बेचने लगा इतने जल्दी? अब वो पानी पूरी वाला आ गया जिसकी रेडी है। तो भाई आओ कर रहे हैं मस्त 3 बच्चों के साथ में। तो भाइयों, ये 2-3 घंटे भाई के साथ स्पेंड किया यहाँ पर, और भाई अपने हैं हरिद्वार से, वैसे तो अभी कहाँ रहते हो? नजीबाबाद। ये जो भी है यार, समझ लो आप लोग। तो ये भी भाई कोरियोग्राफर है, डांस वगैरह सिखाते हैं, और एक ये है भाई अपना लफंडर, और भाई क्या चाल है कहता है ये, बहुत धूप आ रही है, जब तो काले से पूरा दिख रहा है।
तो अभी काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ और भाई जा रहा अपने घर। तो भाई से मिलकर अच्छा लगा। तो भाई अभी हम हरिद्वार से निकल रहे हैं और हाईवे पे आ चुके हैं। ट्रैफिक तो है यहाँ पर और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी प्यार मिला हरिद्वार से भाई और मज़ा भी काफ़ी आया। अब चलते हैं ऋषिकेश। तो भाई सामने आप देख पा रहे हो ये डैम बना रखा है इधर, अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो इधर छोड़ दिया जाता है। सामने है वो है हर की पौड़ी जहाँ पर आरती होती है। और अभी हम हर की पौड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, हाईवे पे हैं और दोस्त अभी मेरा पीछे रह गया है तो अभी निकल ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो है शिव का स्टेचू वहाँ पे, ये हर की पौड़ी है। तो चलिए चलते हैं। ये आ चुका है अभी भाई चौधरी चरण सिंह घाट और हम कर रहे हैं ब्रिज क्रॉस अभी। और देख सकते हो पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ पे। तो यहाँ भी इसको कंट्रोल करने के लिए इधर डैम बनाया गया है। पानी का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई, आज संडे है और ये जाने वाला है, जैसे फ्राइडे की नाइट को शाम के टाइम पे बहुत सारे हाईवे पर मतलब ऋषिकेश हरिद्वार टूरिस्ट आ रहे थे। और जैसे ही अब छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी, देख ट्रैफिक देखो इधर वापसी जाने की, बहुत लंबा ट्रैफिक है भाई। तो वीकेंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जब भी आओ, अगर बजट ट्रेवल कर रहे हो तो वीकेंड में ना आए। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं राजा जी टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा। यहाँ पर टाइगर भी देखने को मिलते हैं। अब तो आपको ना गढ़वाल और खासकर कुमाऊँ वाले एरिया में और यहाँ पर बहुत सारे टाइगर देखने को मिलते हैं लोगों को, घरों से कुत्ते वगैरह या फिर गाय वगैरह को रात को उठा ले जाते हैं। ऐसे काफ़ी केस देखे हैं मैंने भी, न्यूज में पढ़ा भी है लोगों से जो उत्तराखंड में आते हैं तब उनसे भी सुना भी तो है। तो यही नसीहत देते हैं जब भी उत्तराखंड में आते हैं तो लोकल वाले कि आप थोड़ा संभल के रहें, नाइट में ना चले और थोड़ा सा बच के करें, ध्यान रखें बस। और साथ में अपना कुछ एक चक्कू वगैरह कैरी करें यार, जो बचाऊ तो नहीं हो सकता बट हल्की सी चीज़ भी आपको मौत से बचा सकती है। सो अभी हमें एक फैमिली मिली है तो उनसे काफ़ी देर बातें की हैं, तो अभी उनसे थोड़ा सा फोटोग्राफी फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए फिर बात भी करते हैं। और अच्छा ये इसमें अपने गढ़वाल में कौन कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? टोटल तो 18 हो गए। गढ़वाल बड़ा है या कुमाऊँ बड़ा है? एक्चुअली दोनों बराबर ही हैं। ओके। लेकिन गढ़वाल में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिया, कुमाऊँ में जैसे बड़े हैं थोड़े से। तो टोटल पूरा उत्तराखंड में 18 डिस्ट्रिक्ट हो गए, पूरा उत्तराखंड में 18 हैं। यहाँ से देहरादून अभी 50 किलोमीटर है बट शांति कुछ आगे नहीं, ये पूरा अच्छे देहरादून है। ओके। वाला सब गाने मुख्य सब देहरादून। तो वेलकम टू देहरादून। वेलकम टू देहरादून। मेरा नेटिव ऋषिकेश है, मेरा घर ऋषिकेश है। ओके। बट मैंने घर दूसरा बनाया देहरादून, मेरे फादर ने। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस ये थी एक प्यारी सी फैमिली जो अभी हमें यहाँ पर मिली थी और उनके साथ काफ़ी बातें की यार, काफ़ी एक्शन शेयर किया उनसे मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी भाई की साइकिल में हवा कम हो गई है, ब्लॉगिंग भी बना रहे यार देखो। अरे बाड़ी बूचे नू ना चलाया कर रहे हैं, ले ऐसे कर, अभी इसको सिखाना पड़ेगा कैसे हवा बढ़ते है ये देखो भाई। तो अभी हम फॉरेस्ट वाले एरिया में हैं, गुलदार प्रभावित क्षेत्र। ये हाथी और चित्ता यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इससे जो एक रिवर आएगी वो लेफ्ट साइड में चले जाएगा देहरादून की तरफ और राइट में ऋषिकेश की तरफ चले जाएंगे। तो अभी हवा भरने के बाद हम निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। अभी नाइट होनी स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ से पोंटा साहिब 89 है, देहरादून 33, श्रीनगर 120, ऋषिकेश ओनली 15 किलोमीटर है। तो ये अभी ब्रिज बंद है तो अभी हम नीचे से जाना होगा। सो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है जाम, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा जाम है यार। देखते हैं आगे जाके कहीं जगह मिल जाए तो इस जाम से निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे भी नाइट होने जा रही है और हमें भी काफ़ी लेट हो जाएंगे ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते, अभी भी यहीं पे फंसे पड़े हैं यार। मतलब करीब
आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हमें यहीं पे लग गया है जाम के अंदर। अभी थोड़ा बहुत किसे करके हम आगे की तरफ कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, जाम से निकलने की कोशिश। इन दुकानों की साइड से होते हुए छोटी सी जगह है साइकिल जहाँ से हम निकाल सकते हैं। खैर अभी ऑलमोस्ट हम जाम से आउट हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हो सामने वो लड़की है ना, उन पुलिस वालों को बोल भी रही है कि हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारे घर पास में ही है। तो पुलिस वाले से बहस भी कर रही है, तो क्योंकि यार सही भी है पास में घर है, तो एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट जाम लगे हुए, तो हम तो जैसे तैसे करके आधे घंटे में ही निकल गए। तो चलो अभी हम मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी साइकिल चलाने।